अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। गुड मॉर्निंग। और मैं 3 दिन बाद काम पे जा रहा हूँ आज, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, आपको पता है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है। अभी नाश्ता बनाते हैं, देखते हैं क्या है खाने में। जी, वैसे तो हमारे पास पिज़्ज़ा भी पड़ा हुआ है, हमने परसों बनाया था पिज़्ज़ा, और थोड़े से चावल भी हैं हमारे पास। तो हम सोच रहे हैं कि चावल और पिज़्ज़ा दोनों गर्म कर लेता हूँ मैं, थोड़े थोड़े से। ओ, हम रख देते हैं अब चाय या पानी या दूध, और मिलते हैं अब आप लोगों से नाश्ते पर। ये आ गया हमारा गर्मा गर्म मज़ेदार नाश्ता। और रात को मैं एक मूवी देख रहा था, द डेविल वेयर्स प्राडा, वो मेरी याद ही रह गई थी। तो वो देखते देखते नाश्ता करते हैं, फिर काम पे चलते हैं। अच्छा जी, तो बहुत अच्छा मौसम हो गया है, बर्फ़ वगैरह सारी हट गई है, यहाँ से आपको दिख रही होगी। और बहुत बहुत अच्छा खुशगवार सा मौसम एक हो गया है, लुक भी बहुत अच्छी आ रही है। अब थोड़ा फिनलैंड जो है ना, वो फिनलैंड फिनलैंड जैसा लग रहा है। मतलब खूबसूरती निकल के आ रही है, ग्रीनरी अब आना शुरू हो जाएगी थोड़े दिनों में, और ये सब कुछ अच्छा अच्छा हो जाएगा। बारिशें शुरू हो जाएंगी, फिनलैंड में बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं, क्योंकि बर्फ़बारी भी ज़्यादा होती थी, अब वो टेम्परेचर की वजह से वो बारिशों में कन्वर्ट हो जाएगी, तो बारिशें ज़्यादा होती हैं फिनलैंड में। खैर, इतना कोई ख़ास नहीं है फिनलैंड लोगों के हवाले से अगर मैं बात करूं, क्योंकि यहाँ पे एक शायद पता नहीं, फिनलैंड के लोगों का एक मसला है। ये थोड़े से रूड टाइप के होते हैं। रूड इन अ सेंस के मतलब ये आपसे अगर कभी बात हो गई तो ठीक है, वरना ये आपको कभी ख़ुद मुखातिब नहीं करते, कभी आपसे सही से मतलब ऐसे नहीं होगा तरीके से। अगर कोई बात हो जाएगी तो बहुत अच्छे से मिल लेंगे, बहुत अच्छे से बात कर लेंगे, बट ऐसा नहीं होगा कि आपके साथ दोस्तियाँ लगी हुई हैं या गैदरिंग्स हो रही हैं या आप इन लोगों के साथ। मैंने अभी तक शायद कोई पाकिस्तानी देखा भी नहीं जिसकी फिनलैंड वालों से गैदरिंग वाली दोस्ती वोस्ती हो, ठीक है। तो वो ये वैसे भी नहीं करते हैं, तो थोड़े से रूड माने जाते हैं अपने उसके हिसाब से, लोगों से मिलने जुलने के हिसाब से, और स्पेशली तो दूसरे जो एथनिसिटीज़ होती है उन लोगों के साथ। इन अपनों में तो फिर भी ये घुल मिल जाते हैं, दूसरों में से इनका थोड़ा सा मसला ही चलता है। तो कभी अल्लाह ना करे अगर आपको ये चीज़ फेस हो तो दिल छोटा नहीं कीजिएगा। हर जगह अच्छे बुरे लोग होते हैं, इनमें अच्छे भी हैं, बट 80-90% ऐसे ही थोड़े से क्रैक हैं, पागल हैं थोड़े से। तो खैर, हमारी ट्रेन आने वाली है, 2 मिनट रह गए हैं, इंशाल्लाह इंशाल्लाह वहाँ से ट्रेन आएगी, काम पे जाएंगे। 3 दिन बाद आज काम करूँगा, थोड़ी सी कंडीशन ख़राब थी, सबको पता ही, अभी भी ऐसा लग रहा है जैसे कोई लो हूँ, आई एम एट माई लोएस्ट फ़िलहाल, पता नहीं ऐसा ऐसी फीलिंग आ रही है मुझे। तो इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं थोड़ी देर में आप लोगों से। अच्छा भाई, हम ऑर्डर लेने आए थे तो हमें पता चला यहाँ पे जो है ना, वो खीरे देखें, खीरे हैं ये, फ्री हैं ये, यहाँ पे दिए हुए हैं उन्होंने कि आप जिसको चाहिए उठा के ले जा सकते हैं। हम भी ले जाते हैं 3-4। ये चेक करें आप लोग यार, 9 बज रहे हैं ये इस वक्त, आपको पता है। और जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये मौसम अभी जो है वो 10, 10:30, 11 बजे तक भी इस तरह का मौसम होगा। दिया मतलब सूरज ऑब्वियसली ढल चुका है हमारा, बट ये है कि मतलब सूरज का नामो निशान नहीं है, बट आपको मौसम जो है ना वो दिख रहा होगा ना, मतलब रोशनी है ये, प्रॉपर रोशनी है ये, अच्छी खासी। जैसे हमारे यहाँ समझ लें मगरिब का टाइम हो रहा होता ना, ये वो वाला टाइम है, 9, 9:15 होने वाले। अच्छा जी, तो हम जा रहे हैं घर पे, और मैं आपको बताता हूँ, ये जो फिनलैंड का मौसम है ना, बेसिकली ये खेलता माइंड गेम्स। उसमें होता ये है कि जब आप यहाँ पे सर्दियों में आएंगे ना, तो आप देखेंगे ना यहाँ पे 3 बजे ना, 2:30 से 3 बजे जो है ना, वो हो जाएगा अंधेरा, हो जाएगा 3 बजे 3:30 बजे अंधेरा हो जाएगा, इस तरह का अंधेरा जैसे मैं, बल्कि ये भी अभी रोशनी हो रही है, प्रॉपर अंधेरा हो जाएगा, रात आ जाएगी। तो आपका ना दिमाग ना वैसे ही हो जाता है, आपकी बॉडी उसी तरह से ना थकन महसूस करेगी कि यार रात हो गई, काम पे हैं तो चलो जल्दी के घर जाएं काम, हालांकि बच के रहोगे 4, 4:30, 3:30 इस तरह से टाइम हो रहा होगा। इसके अपोजिट होता है समर्स में, गर्मी हो रही होती है, मतलब सर्दी जो टाइम हो रहा होता है वो हो रहा होता है 9, 9:30, 10 बज रहे होते हैं, बट रोशनी इतनी होती है कि जो है ना
रोशनी इतनी हो रही होती है कि आप जो है वो उसका आपको समझ नहीं आता, आप जो है मतलब आपका जिस्म फ्रेश रहेगा, सही है, और ये सारी चीज़ें आप लोग आपके साथ बेस्ट रहेंगी। आप बोलोगे यार अच्छा अभी और थोड़ा और काम कर ले, अभी तो इतनी रोशनी हो रही हो रही हो इतनी रोशनी हो रही होती है, पता चलता है 9:30-10 बज रहे होते हैं। जैसे ये भी मेरे पीछे रोशनी हो रही है, मैं ये समझ रहा होता हूँ कि सॉरी अंधेरा बहुत ज़्यादा हो गया अभी, मतलब मैं जिस जगह हूँ वो जंगल है यहाँ, मतलब आगे से फिर मेरा घर शुरू हो जाएगा, ये सारा भी सारा जंगल जंगल ही है। तो ये मौसम का हाल होता है। और फिर आपको लगता है कि मतलब आपका जिस्म ना थकता है ना कुछ होता है, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे आपके साथ ना फिनलैंड का मौसम गेम खेलता है। मैं तुम्हें सरप्राइज देता हूँ, आज मुझे क्या मिला, मैं इसको ये देखो, मैं नाजरीन के सामने तुम्हें बताता हूँ, देखो वोल्ट वोल्ट मार्केट में बट रहे थे ये, मैंने ले लिए चार चार किलो का, हम खाएंगे सलाद बना बना के यार, मजा आएगा। खराब कितने देर में होंगे? नहीं नहीं खराब तो नहीं होंगे, क्या खराब होंगे, हो जाता है ना वो खराब, नहीं होंगे, फ्रिज में रखेंगे तो नहीं होंगे। खराब को क्या देख के याद आया, हंगर ये आज कर रहा है, क्या फिर रहा है, शायद से ये होंगे, पता नहीं किसका किस बंदे का नाम हमारे एड्रेस पे रजिस्टर्ड हो गया है और कंप्लेन करना पड़ेगी इसकी। हाँ बिल्कुल, तो भाई लेट्स स्टार्ट विद योर क्वेश्चंस, हमारा दिन ख़त्म होने वाला है, 12:30 बज के मुझे बहुत नींद आ रही है और मैं थोड़ा लेट हो गया। सबसे पहले आपकी वेल विशेस का बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद भाई मेरे पास लव लव प्रीत कोई है, उन्होंने पूछा भाई मेरे पास सऊदी अरब का लाइसेंस है और ट्रांसफ़र हो जाएगा फिनलैंड में? जी हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। भाई मेरे पास हैवी लाइसेंस सऊदी अरब का है, हैवी लाइसेंस के लिए मेरे ख्याल में आपको यहाँ पर टेस्ट देना पड़ेगा, ए बी कैटेगरी की जो लाइसेंस होता है वो हो जाता है, लाइक बाइक हो गई कार हो गई उसके लिए हो जाता है, इससे बड़े लाइक ट्रक और हैवी व्हीकल के लिए या टैक्सी वगैरह के लिए एक अलग से लाइसेंस होता है, वो आपको अलग और उसके लिए टेस्ट भी देना पड़ता है आई थिंक। किसी ने पूछा अस्सलाम वालेकुम भाई मेरा एडमिशन हुआ है सेंट्रिया यूनिवर्सिटी में, अभी हमने वीज़ा के लिए अप्लाई करना है, मेरे हस्बैंड का दुबई का लाइसेंस है और एक्सपीरियंस भी है डिलीवरी का, तो क्या हम पाकिस्तान से ही डिलीवरी अकाउंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं फिनलैंड में? नहीं, पाकिस्तान से बैठ के आप डिलीवरी अकाउंट के लिए, हाँ अगर आपको कोई जानने वाला है वो आपके बिहाफ के ऊपर एक सिम लेके उस सिम के थ्रू अप्लाई करके आपके बिहाफ पर रख लेता है, बट फिर भी उसमें भी कोई ऐसा टाइम नहीं है, मुझे ही अप्लाई किए हुए 7 महीने तकरीबन, अभी तक कुछ नहीं आया है। और सब्सटीट्यूट अकाउंट का मेथड मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ, फेसबुक के थ्रू जान पहचान के थ्रू ही मिलता है सब्सटीट्यूट अकाउंट ना, ग्रुप्स वगैरह पे आप पोस्ट करें तो वहाँ पे लोग आपको रिप्लाई कर देते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, वालेकुम सलाम, मॉर्निंग सर, कैन वी विजिट अ वीज़ा? अच्छा ये कह रहे हैं कि हम विजिट वीज़ा पे आके फिनलैंड में जॉब मिल जाए तो हम वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल, अगर आपको फिनलैंड विजिट वीज़ा देता है, क्योंकि फिनलैंड विजिट वीज़ा ही बड़ा मुश्किल से देता है, अगर विजिट वीज़ा पे आके आप यहाँ होंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे यहाँ वालों को जॉब नहीं मिल रही तो विजिट वीज़ा पे आने वालों को तो बहुत ही इशू होगा शायद, तो अगर आप जॉब मिल अगर ऐसा हो जाता है जो कि आई डोंट थिंक पॉसिबल है, बहुत रेयर कभी किसी केस में हुआ होगा, तो यहाँ पे आपको जॉब मिल जाती है फिर आप अपनी कंट्री में जाएंगे और फिर वीज़ा वगैरह फाइल करेंगे, वो एक अलग चीज़ है। भाई फिनलैंड की वासा यूनिवर्सिटी की रोलिंग फाइनल कॉल एडमिशन की डेडलाइन 30 अप्रैल थी, हमने देखा तो अप्लाई कर दिया, क्या लगता होगा? ये आपकी आपकी प्रोफाइल और यूनिवर्सिटी के रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। देखिए अगर ये वो आपके रिक्वायरमेंट्स मैच करती है यूनिवर्सिटी की ओर से, आपकी प्रोफाइल यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट से मैच करती है तो इंशाल्लाह ज़रूर हो जाएगा, बेफिक्र रहें। भाई आप बताओ फिनलैंड में बता दिया सऊदी अरब का लाइसेंस मैंने, भाई फिनलैंड में फूड और क्लाउड किचन का बिजनेस सबसे अच्छा बिजनेस फूड का है फिनलैंड में, मैंने भी जितना नोट किया है सब लोगों को जितना मैंने देखा 7-8 महीने में सबसे अच्छा बिजनेस फूड का ही बिजनेस सबसे अच्छा लगा मुझे। ब्रदर अभी कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ओपन है? अभी किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ओपन नहीं है अभी, तकरीबन जो है वो सभी यूनिवर्सिटी से के अभी कुछ एक और इनटेक खुलेगा 7 अगस्त में। तो आप एक बात याद रखिएगा मेरी, जिन लोगों का भी हेलसिंकी की यूनिवर्सिटी किसी भी यूनिवर्सिटी में हेलसिंकी के अंदर एडमिशन हो रहा है और एक और कहीं और हो रहा है तो आपने हमेशा हेलसिंकी की यूनिवर्सिटी चूज़ करनी है हमेशा, क्योंकि हेलसिंकी कैपिटल एरिया है और
सॉरी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा है। तो मुझसे पूछने से पहले ही बेहतर है कि आप अगर एक, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे ऑल्टो यूनिवर्सिटी है, ओमनिया है, हेलसिंकी यूनिवर्सिटी ऑफ हेलसिंकी है, या और भी इस तरह की कुछ यूनिवर्सिटीज़ की ब्रांचेस हैं यहाँ पे, तो अगर आप कहीं हेलसिंकी के सेंटर में यहाँ पे कहीं पे अकाउंट आपका वांता में, एस्पो में, हेलसिंकी में, इन यूनिवर्सिटी में कहीं हुआ है आपका, और आपका तुर्कू या वासा या तामप्रे या लेप्रांता में हुआ है, तो आप पूछने की ज़रूरत नहीं है, आपने हेलसिंकी के ही यूनिवर्सिटी को चूज़ करना है। काइंडली ये याद रखिएगा, क्योंकि आपको इवेंचुअली आना हेलसिंकी में ही पड़ेगा अच्छे काम वगैरह के ढूंढने के लिए। तो ये बात याद रखिएगा आप, कि हमेशा आपने यूनिवर्सिटी ऑफ हेलसिंकी ही चूज़ करनी है। अच्छा, ख़त्म करते हैं आज के ब्लॉग को, इंशाल्लाह मुलाकात होगी आप लोगों से कल। इस उम्मीद के साथ कि अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं सुबह। अल्लाह हाफिज़।